ME 308 मशीन डिजाइन में अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग। रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग का सिलेक्शन कैसे करते हैं? द सिलेक्शन ऑफ द एनी टाइप ऑफ बेयरिंग इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग। किसी भी बेयरिंग का जो सिलेक्शन है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, वो डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एप्लीकेशन जहां पे बिल्डिंग यूज हो रही है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, और बेयरिंग की खुद की करेक्टरिस्टिक क्या है। जो गाइडलाइंस है वो पहली है फॉर लो एंड मीडियम रेडियल लोड, जहां पर केवल बहुत ही कम या मीडियम रेडियल लोड आता है वहां बॉल बेयरिंग यूज की जाती है, और जहां पर हैवी लोड आता है और जहां पर शाफ्ट का डायमीटर बहुत बड़ा होता है, ज्यादा होता है, वहां पर रोलर बेयरिंग को हम सेलेक्ट करते हैं। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग और स्फेरिकल रोलर बेयरिंग वाइज होती है जहां पर मिस अलाइनमेंट होता है बिटवीन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एंड हाउसिंग, जहां पर शाफ्ट और हाउसिंग के शाफ्ट के हाउसिंग के बीच में मिस अलाइनमेंट होता है वहां पर सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग यूज की जाती है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग वहां यूज होती है जहां पर मीडियम थ्रस्ट लोड होता है या जहां पर बहुत ही ज्यादा थ्रस्ट लोड आता है। सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग आर रिकमेंडेड फॉर हैवी थ्रस्ट लोड, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग जनरली यूज की जाती है। डबल एक्टिंग थ्रस्ट बेयरिंग कैन कैरी द थ्रस्ट लोड इन आइदर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में लोड को वो ले सकती है। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होती है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग और स्फेरिकल रोलर बेयरिंग आर सूटेबल इन एप्लीकेशन वेयर द लोड एक्टिंग ऑन बेयरिंग कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, रेडियल और थ्रस्ट। जहां पर थ्रस्ट और रेडियल दोनों लोड आते हैं वहां पर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग है और स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यूज होती है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द शाफ्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर राइज इन द बेयरिंग, जो शाफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक्सिमम बेयरिंग के अंदर टेम्परेचर को राइज करती है। फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग एंड सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग आर रिकमेंडेड। ज्यादा स्पीड जहां शाफ्ट की स्पीड बहुत हाई हो वहां पर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग और सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग को हम यूज करते हैं। रिजिडली कंट्रोल द सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग इन सर्टेन एप्लीकेशन लाइक मशीन टूल स्पिंडल। रिजिडिटी कंट्रोल, जहां पर रिजिडिटी डिपेंड करती है वहां पर, जैसे मशीन टूल एप्लीकेशन है वहां पर डबल लो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग होती या टेपर रोलर बेयरिंग यूज होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग और टेपर रोलर बेयरिंग में लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, जबकि बॉल बेयरिंग में, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग में पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, और इस लाइन कॉन्टेक्ट की वजह से जो मशीन की जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी क्राइटेरिया भी सिस्टम का फुलफिल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, नॉइज सबसे बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है बेयरिंग के एप्लीकेशन में, इन हाउस होल्ड एप्लीकेशन। सब इस प्रकार की एप्लीकेशन के लिए जनरली डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग को हम यूज करते हैं। नॉलेज एंड डिजाइन करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेयरिंग एंड प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ द नीड्स ऑन एप्लीकेशन एनेबल्स द डिजाइन इंजीनियर टू सेलेक्ट ए प्रॉपर टाइप ऑफ बेयरिंग। द करेक्टरिस्टिक ऑफ बेयरिंग शुड मैच विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेयरिंग के जो करेक्टरिस्टिक है, बेयरिंग किस लोड के लिए, रेडियल लोड के लिए काम कर रही है, एक्सेल लोड के लिए आएगी, वो एप्लीकेशन से मैच होनी चाहिए या मशीन के करेक्टरिस्टिक से वो मैच होनी चाहिए। जहां पर थ्रस्ट लोड आ रहा है वहां पर थ्रस्ट बॉल बेयरिंग यूज करेंगे, जहां पर रेडियल लोड ज्यादा वहां पर रेडियल बॉल बेयरिंग यूज करेंगे, और जहां पर रिजिडिटी क्राइटेरिया वहां पर टेपर रोलर और सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग हम यूज करेंगे। अब लोड एंड लाइफ फिटिंग ऑफ द बेयरिंग। द टाइप एंड साइज ऑफ अ बेयरिंग टू बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड द अदर रिक्वायरमेंट्स सच एज लाइफ एंड रिलायबिलिटी। कोई
कौन सी बेयरिंग यूज करनी है, किस साइज की बेयरिंग यूज करनी है और किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज करनी है, वो जनरली मेनली डिपेंड करता है बेयरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी और उसकी अदर क्राइटेरिया, जैसे उस बेयरिंग की लाइफ क्या है और रिलायबिलिटी क्या है। एंड इंस्टॉल्ड बेयरिंग यूजली फेल्स बाय फटीग फेलियर विच कॉज बाय द कॉन्टैक्ट स्ट्रे। कोई इंस्टॉल बेयरिंग जो होती है मशीन पर वो जनरली फटीग फेलियर के द्वारा फेल होती है और फटीग फेलियर जो होता है वो रिपीटेडली कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बिटवीन द शाफ्ट और बेयरिंग एलिमेंट के बीच में उससे डेवलप होता है। अब रेटेड लाइफ, द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बॉल या रोलर बेयरिंग मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और अवर्स एट सम गिवन कॉन्स्टेंट स्पीड विच द बेयरिंग रन्स बिफोर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग फेलियर। फटीग डेवलप्स इन द मेटीरियल ऑफ वन ऑफ द रिंग्स और एनी ऑफ द रोलिंग एलिमेंट बट इट इज एविडेंट फ्रॉम बोथ लेबोरेटरी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट सीमिंगली आइडेंटिकल बेयरिंग्स ऑपरेटिंग अंडर सिमिलर कंडीशन हैव डिफरेंट लाइव्स। सो द लाइफ ऑफ द बेयरिंग इज एक्सपीरियंस एज स्टैटिकल लाइफ। किसी भी बॉल बेयरिंग की जो लाइफ है वो डिफाइन करती है उसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या कितने आवर्स तक वो कॉन्स्टेंट स्पीड पर वह रन कर सकती है जब तक कि उसमें फटीग फेलियर डेवलप होना स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन जनरली लेबोरेटरी टेस्ट और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से हमें ये फाइंड आउट हुआ है कि जो एक जैसी बेयरिंग दिखती है और एक और सिमिलर कंडीशन में काम करती है उसकी डिफरेंट लाइफ होती है। जैसे मान लो एक बेयरिंग जो है सेम साइज है, सेम स्पीड है, लेकिन अलग अलग मशीन पर काम कर रही है तो उसकी लाइफ जो होगी वो अलग अलग होगी। सो इसीलिए बेयरिंग की जो लाइफ होती है वो हमेशा एक स्टैटिकल लाइफ होती है, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड द नंबर ऑफ आवर्स में गिवन होती है। द रेटेड लाइफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बेयरिंग इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और आवर्स एट सम कॉन्स्टेंट स्पीड दैट 90% ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बेयरिंग विन कंप्लीट और एक्सीड बिफोर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग फेलियर अकर्स। द रेटेड लाइफ इज रिप्रेजेंटेड एट L10 life. In other words, the reliability of life is reliability of the bearing is 90%. जैसे identical bearing की जो rated life है वो define करता है कि number of revolution or hours at constant speed that 90% of group of identical bearing will complete or exceed before the first evidence of fatigue failure. कि कितने घंटे और कितने number of revolution तक 90% of bearing will complete, मतलब फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग फेलियर को वो अचीव कर लेती है या फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग फेलियर उसमें डेवलप हो जाता है। तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ रेटेड लाइफ और या हम कह सकते हैं कि 90% बेयरिंग की जो रिलायबिलिटी है वो 90% है। द रेटिंग लाइफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ अपरेंटली आइडेंटिकल बॉल और रोलर बेयरिंग इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन or hours at some given constant is it that 90% of group of bearing will complete or exceed before the first evidence of fatigue failure develops. इसका मतलब है कि 10% of a group of bearing failed due to fatigue, मतलब only उसमें से जैसे मान लो कोई एक set of bearings ली है हमने और एक same RPM पर constant RPM पर और एक कुछ number of hours तक constantly run कराया जाए तो 90% ऑफ बेयरिंग फेल नहीं होगी, उसमें से केवल 10% ऑफ बेयरिंग ही फेल होगी। तो इसको हम कहते हैं जो बेयरिंग्स है वो 90% रिलायबल है, उसकी लाइफ जो है 90% है। अब जो होता है मिनिमम लाइफ क्या होती है, द मिनिमम लाइफ इज आल्सो यूज्ड टू डोनेट द रेटिंग लाइफ। जनरली फाइंड किया जाता है कि it is found that the life with 50% of a group of bearing will complete or exceed is approximately 5 times the life which 90% of bearing will complete or exceed. Iska matlab ye hai ki average life of a bearing is 5 times the rating life, minimum life, matlab kisi bearing ki average life hoti 5 times hoti hai uski rating life se ya minimum life se.
इट मे बी नोटेड दैट द लॉन्गेस्ट लाइफ ऑफ ए सिंगल बियरिंग इज, जो लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी सिंगल बियरिंग इज सेल्डम लॉन्गर देन द फोर टाइम्स द एवरेज लाइफ, एंड द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ए सिंगल बियरिंग इज अबाउट 30-50% द मिनिमम लाइफ. द लाइफ ऑफ ए बियरिंग फॉर वेरियस टाइप ऑफ मशीन इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल. जैसे इंस्ट्रूमेंट्स या अपरेटस है दैट आर रेयरली यूज्ड, डिमोन्स्ट्रेशन अपरेटस है, मैकेनिज्म फॉर ऑपरेटिंग या स्लाइडिंग डोर्स है, उसकी लाइफ होती है 500 वर्ष. एयरक्राफ्ट इंजन जो है उसके बियरिंग की लाइफ है 1000 से 2000 आवर्स, उसके बाद वो बियरिंग चेंज करनी पड़ती है. मशीन जो यूज होती है वो शॉर्ट पीरियड्स फॉर इंटरमीडिएट व्होज ब्रेकडाउन वुड नॉट हैव सीरियस कंसीक्वेंसेस. यह मशीन जो होते हैं इनकी इनका इंटरमीडिएट लाइफ होती है, इंटरमीडिएट वर्क होता है, या जिनका ब्रेकडाउन को सीरियस नहीं होता, कंसीक्वेंसेस नहीं होता. जैसे हैंड टूल होते हैं, लिफ्ट इन टैकल होते हैं वर्कशॉप में, कुछ ऑपरेटेड मशीन, एग्रीकल्चर मशीन जो है, क्रेन है, क्रेन इन इरेक्टिंग शॉप, या डोमेस्टिक मशीन जो है उसकी लाइफ जो होती है 400 आवर्स से 800 आवर्स. वो मशीन जिनका ब्रेकडाउन बहुत सीरियस होता है, जैसे ऑक्सिलरी मशीन पावर स्टेशन पर, कन्वे प्लांट जो है फॉर प्रोडक्शन में, लिफ्ट या क्रेन हो गई, उसकी लाइफ होती है 8000 से 12000 आवर्स. वो मशीन जो रोज 8 घंटे काम आती है, विच वर्क 8 आवर पर डे एंड नॉट ऑलवेज फुली यूटिलाइज्ड, फुली यूटिलाइज नहीं होती है. जैसे स्टेशनरी इलेक्ट्रिक मोटर होती है या जनरल पर्पस गियर यूनिट होती है, उनकी लाइफ होती है 12000 से 20000 आवर्स. मशीनरी वर्किंग 8 आवर्स पर डे एंड फुली यूटिलाइज, मशीन जो 8 आवर पर डे यूज है फुली यूटिलाइज होती है. जैसे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्रेन्स है, बल्क या गुड्स है, वेंटिलेशन फैन है या काउंटर शाफ्ट जो है, उसकी लाइफ 20000 से 30000 आरपीएम तक होती है. मशीन वर्किंग 24 आवर्स पर डे. सेपरेटर्स या कंप्रेसर होते हैं, उसकी लाइफ 40000 से 60000 आवर्स होती है. वो मशीन रिक्वायर टू वर्क फॉर हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, जिसके लिए रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है. मशीन जिनकी रिलायबिलिटी हाई होती है 24 आवर्स रन करती है, जैसे पल्प और पेपर मशीन इंडस्ट्री है, पब्लिक पावर प्लांट है, माइनिंग पंप है, वाटर वर्क्स है, वहां पर जो बेयरिंग यूज होगी मशीन कंपोनेंट में, वहां पर एक लाख से 2 लाख आवर्स बेयरिंग की लाइफ होगी. कुछ एप्लीकेशन में होती है जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होती है ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी इक्विपमेंट के लिए, तो हमें बेयरिंग ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसकी रिलायबिलिटी 90% से ज्यादा होती है. और ऐसी बेयरिंग जो विच आर अवेलेबल एट 90% रिलायबिलिटी, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बेयरिंग एट एनी गिवन रिलायबिलिटी अदर देन 90%. तो इस प्रकार की बेयरिंग की लाइफ को फाइंड करते हैं, लाइफ एल रियल रिलायबिलिटी अपॉन एल 90% रिलायबिलिटी इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 अपॉन रिलायबिलिटी रियल अपॉन नेचुरल लॉग 1 अपॉन रिलायबिलिटी 90 की पावर 1 अपॉन बी. तो इसमें क्या है, एल आरएल ये जो है बेयरिंग की लाइफ है रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी पर है, आर आरएल 1 ये जो है कि रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी कितनी रिलायबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है, एल 90 इज अ बेयरिंग लाइफ एट 90% रिलायबिलिटी, और बी जो है कांस्टेंट है 1.17 इसकी इक्वेशन. इस इक्वेशन से द एक्सपेक्टेड लाइफ एट रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी ट्रांसफॉर्म इनटू लाइफ एट 90% रिलायबिलिटी एंड सच ए बेयरिंग इज सिलेक्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग. अब लोड लाइफ फिटिंग,
द लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग वो कहलाती है लोड रेटिंग। और बेयरिंग में जनरली दो प्रकार की लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, पहला बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग कैपेसिटी, सेकंड वन इज डायनेमिक लोड रेटिंग कैपेसिटी। स्टैटिक लोड जो होता है, स्टैटिक लोड वो इक्विवेलेंट लोड होता है जो कि केवल रेडियल होता है। द स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड में भी डिफाइंड एज द स्टैटिक रेडियल लोड। वो स्टैटिक रेडियल लोड मतलब जहां पर रेडियल बॉल या रोलर बेयरिंग होती है, और द एक्सियल लोड इन केस ऑफ थ्रस्ट और रोलर बेयरिंग होती है, विच इफ अप्लाइड वुड कॉज द सेम टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन एट द मोस्ट हेवीली स्ट्रेस बॉल और रोलर एंड रेस कॉन्टेक्ट एज दैट विच कर्स अंडर द एक्चुअल कंडीशन ऑफ लोडिंग। स्टैटिक रेडियल लोड डिफाइन होता है, इट इज सम ऑफ द स्टैटिक रेडियल लोड और प्लस एक्चुअल लोड, जो रेडियल लोड होता है बॉल और रोलर बेयरिंग में, और एक्चुअल लोड होता है थ्रस्ट और रोलर बेयरिंग। वो जब अप्लाई करता है किसी बेयरिंग पर तो उसमें टोटल डिफॉर्मेशन होता है जो कि मोस्ट हेवीली स्ट्रेस बॉल पर होता है और बॉल और रेस पर रेस कॉन्टेक्ट होता है, विच अकर्स अंडर द कंडीशन जो कि एक एक्चुअल कंडीशन ऑफ लोडिंग में डेवलप होता है। एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लोड विच कॉजेज द वन कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द रोलिंग एलिमेंट एंड द रेस वे एंड ए परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ 0.001 टाइम द डायमीटर ऑफ रोलिंग एलिमेंट। मतलब रेस वे रोलिंग एलिमेंट और रेस वे में 1 × 10⁻⁴ इंटू डायमीटर रोलिंग एलिमेंट जितना डिफॉर्मेशन वो क्रिएट करता है या डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। द बेसिक स्टैटिक लोडिंग सी नॉट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन वेयर बेयरिंग्स आर टू बी रोटेटेड एट वेरी स्लो स्पीड और आर टू बी स्टेशनरी अंडर लोड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड टाइम। ये जो स्टैटिक लोड रेटिंग वहाँ काम आती है जहाँ पर बेयरिंग जो होती है वो बहुत ही स्लो स्पीड पर रन करती है, और जहाँ पर स्टेशनरी लोड और जहाँ पर स्टेशनरी लोड लगता है बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्टैटिक लोड रेटिंग को हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द फॉर्मूला गिवन इन इंडियन स्टैंडर्ड 2823 पार्ट 1-4 1966 और फ्रॉम द मैन्युफैक्चर कैटलॉग या डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कैटलॉग से फाइंड आउट करते हैं। डायनेमिक लोड रेटिंग इज डिफाइंड एज द कॉन्स्टेंट स्टेशनरी रेडियल लोड। ये कॉन्स्टेंट स्टेशनरी रेडियल होता है विच ए ग्रुप ऑफ एपरेंटली आइडेंटिकल बेयरिंग विथ स्टेशनरी आउटर रेस कैन कैरी फॉर मिनिमम रेटेड लाइफ ऑफ 1,000,000 रिवोल्यूशन ऑफ द इनर रेस। The rated life in this definition is based on the assumption that 90% of bearing will complete or exceed 1,000,000 revolution before the first evidence of fatigue failure develop. Dynamic load वो constant stationary radial load होता है जो कि group of apparently identical bearing with जिसमें outer रेस with stationary outer रेस can carry for minimum rated life of 1,000,000 ताकि वो 1,000,000 रिवॉल्यूशन ऑफ इनर रेस तक सहन कर सकता है। इसकी जो रेटेड लाइफ वो इस तरह से डिफाइन होती है, हम एज्यूम करते हैं कि 90% बेयरिंग उसमें जो 90% बेयरिंग है वो 1,000,000 ऑफ रिवॉल्यूशन की लाइफ को एक्सीड कर लेगी तब जब तक कि फर्स्ट फटीग फेलियर उसमें डेवलप हो जाए। और ये जो डायनेमिक लोड रेटिंग जो है वो जनरली डिफाइंड होती है मैन्युफैक्चर कैटलॉग से। इक्विवेलेंट बेयरिंग लोड कुछ बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, बेयरिंग जो होती है वो रेडियल एक्सियल लोड दोनों को कैरी करती है, और इन एडिशन वहां पर कुछ बेयरिंग ऐसे होता है दे आर ऑपरेट विद ए रोटेटिंग आउटर रेस, आउटर रोटेट करता है और इनर रेस स्टेशनरी होता है। सो इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द लोड्स दीज टू लोड
इसको कन्वर्ट करना होता है एंड द रोटेटिंग आउटर इज कंडीशन इन टू एन हाइपोथेटिकल लोड, उसको एक हाइपोथेटिकल लोड में कन्वर्ट करना जो कि सेटिस्फाई कर सके दोनों कंडीशन को. सो एन इक्विवेलेंट लोड इज दैट स्टेशनरी लोड विच इज अप्लाइड टू ए बेयरिंग विद द रोटेटिंग इनर रेस एंड द स्टेशनरी आउटर रेस वुड गिव द सेम लाइफ एज ए बेयरिंग अंडर द एक्चुअल कंडीशन. जो इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड है, इक्विवेलेंट द डायनेमिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड फॉर रेडियल एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग एक्सेप्ट फॉर फिलिंग स्लॉट टाइप अंडर कंबाइंड कॉन्स्टेंट रेडियल लोड एंड कॉन्स्टेंट एक्सियल थ्रस्ट, कॉन्स्टेंट एक्सियल थ्रस्ट लोड इज गिवन बाय W इक्वल टू X इंटू वी इंटू डब्ल्यू आर प्लस Y इंटू डब्ल्यू ए, जहां पर V जो है वो रोटेशन फैक्टर है जिसमें आउटर रेस भी रोटेट करता है और इनर केस स्टेशनरी रहता है बेरिंग का. वेयर V इक्वल टू वन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बेरिंग व्हेन द इनर रेस इज रोटेटिंग. V वन होगा जहां में इनर केस रोटेट करेगा. V इक्वल टू वन फॉर सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग व्हेन इनर रेस इज स्टेशनरी. सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग के लिए जहां पर इनर रेस स्टेशनरी होगा. V इक्वल टू 1.2 फॉर एल टाइप्स ऑफ बेरिंग एक्सेप्ट सेल्फ अलाइनिंग व्हेन इनर रेस इज स्टेशनरी, जहां पर इनर रेस स्टेशनरी होगा. द वैल्यूज ऑफ रेडियल लोड फैक्टर एक्स एंड द एक्सियल थ्रस्ट फैक्टर वाई फॉर द डायनेमिक डायनेमिकली लोडेड बेरिंग में बी टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. ये जो रेडियल लोड फैक्टर एक्स, एक्स जो है रेडियल लोड फैक्टर है और वाई जो है एक्सियल और थ्रस्ट लोड फैक्टर है. तो ये जो फैक्टर है ये हम कैलकुलेट करते हैं इस टेबल से. डीप ग्रूव गॉब बॉल बेरिंग के लिए दे रखा है, दिस इज द सेंट्रिसिटी रेशियो. ये स्टैटिक लोडिंग के लिए स्टैटिक लोड कैपेसिटी, ये स्टैटिक लोड के लिए है और ये डायनेमिक लोडिंग के लिए. एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग में तीन तरह के होते, सिंगल लो, टू रोड्स इन टैंडम, टू रोड बैक टू बैक एंड द डबल लो. सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, स्फेरिकल बॉल बेरिंग और टेपरेबल बॉल बेरिंग में इसके जो रेडियल और एक्सियल कंपोनेंट जो है वो इससे हम कैलकुलेट, इससे हम फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट है डायनेमिक लोड रेटिंग फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग अंडर वेरिएबल लोड, या जिसे हम कह सकते हैं लोड ड्राइव रिलेशंस. द अप्रोक्सीमेट रेटिंग और द सर्विस लाइफ ऑफ बॉल और रोलर बेरिंग इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल इक्वेशन. एल इज द रेटिंग लाइफ इक्वल टू सी अपॉन डब्ल्यू के पावर के इंटू 10^6 रिवोल्यूशन. सो इट इज रिटन एज सी इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 10^6 के पावर 1 अपॉन के, जहां पर एल जो है वो हमारी रेटिंग लाइफ ऑफ बेरिंग है, सी है बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग है, डब्ल्यू इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड है, के की वैल्यू जो है 3 है अगर बॉल बेरिंग लेंगे तो, और 10/3 लेंगे फॉर रोलर बेरिंग. द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइफ इन रिवोल्यूशन L and the life in working hours is given by, it is the relation between life in revolution and the life in working hours. L equal to 60 multiplied by N into L into H, LH, life in working hours. जहां पर N जो है वो स्पीड है RPM में. अब हम कंसिडर करते हैं कि रोलिंग एलिमेंट बेरिंग जो है, कॉन्टेक्ट बेरिंग जो है वो वेरिएबल लोड, उस पर वेरिएबल लोडिंग लग रही है. जैसे W1 लग रही है N1 रिवोल्यूशन ऑफ साइकिल तक, W2 रोड लोड लग रहा है N2 रिवोल्यूशन साइकिल तक, W3 लग रहा है N3 रिवोल्यूशन साइकिल तक. तो उसके लिए बेरिंग लाइफ जो होगी, इफ द बेरिंग इज ऑपरेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर कॉन्स्टेंट लोड W1 देन लाइफ इज गिवन बाय L1 इक्वल टू सी अपॉन W1 पावर के इंटू 10^6 रिवोल्यूशन. फ्रैक्शन लाइफ कंज्यूम्ड विथ W1, इसमें फ्रैक्शन ऑफ लाइफ जो कंज्यूम हो गई बेरिंग की वो
डब्ल्यू वन लोडिंग से कंज्यूम हो गई, डब्ल्यू वन एक्टिंग फॉर एन वन रिवोल्यूशन इज, तो कितनी कंज्यूम हो गई, एन वन अपॉन एल वन इक्वल टू एन वन इंटू डब्ल्यू वन सी, डब्ल्यू वन अपॉन सी पावर के इंटू वन अपॉन टेन के पावर सिक्स. सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ लाइफ कंज्यूम विथ लोड एल टू, एल टू के साथ कंज्यूम होगी एक्टिंग फॉर एन टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, एन टू अपॉन एल टू इक्वल टू एन टू इंटू डब्ल्यू टू अपॉन सी पावर के इंटू टेन के पावर सिक्स. सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ लाइफ कंज्यूम विथ डब्ल्यू थ्री, द फॉलोइंग रिलेशन इज, लेकिन जो एन वन अपॉन एल वन प्लस एन टू अपॉन एल टू प्लस एन थ्री अपॉन एल थ्री को जोड़ेंगे तो वन के इक्वल आएगा. तो अगेन वी एडिंग देम, इनको ऐड किया इक्वल टू एन इक्वल टू वन, तो ये रिलेशन हुआ एन वन इंटू डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू वन की पावर के, एन टू इंटू डब्ल्यू टू की पावर के प्लस एन थ्री इंटू डब्ल्यू थ्री की पावर के, अगेन कंटिन्यूएशन में इक्वल टू सी की पावर के इंटू टेन की पावर सिक्स. इफ एन इक्विवेलेंट लोड डब्ल्यू, अगर इक्विवेलेंट लोड डब्ल्यू इज एक्टिंग फॉर एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, देन एन इक्वल टू सी अपॉन डब्ल्यू की पावर के इंटू टेन की पावर सिक्स. इसको रीअरेंज करते हैं, लेकिन जो n इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री है, तो इक्वेशन वन और टू से जो हमारे जो इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड निकला है वो होगा w इक्वल टू एन वन इंटू डब्ल्यू वन की पावर के, एन टू इंटू डब्ल्यू टू की पावर के प्लस एन थ्री इंटू डब्ल्यू टू की पावर के कंटिन्यूशन अपॉन एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की टोटल की पावर वन अपॉन के. अब इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी, और इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एल वन इंटू डब्ल्यू वन की पावर क्यू प्लस एल टू इंटू डब्ल्यू टू की पावर क्यू प्लस एल थ्री इंटू डब्ल्यू टू की पावर थ्री अपॉन एल वन प्लस एल टू प्लस थ्री अपॉन वन बाय थ्री के. हमने लिया फैक्टर बॉल बेयरिंग के लिए. अब सेलेक्शन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग, मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग से हम बेयरिंग को कैसे सेलेक्ट करते हैं. इसका जो बेसिक प्रोसीजर है सेलेक्शन ऑफ बॉल बेयरिंग, बेयरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप. पहला, रेडियल एक्शन फोर्स फाइंड आउट करो बेयरिंग में कितने लग रहे हैं, एंड डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट वेयर द बेयरिंग इज टू बी फिटेड, और शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट करो जहां पर बेयरिंग को हमें फिट करना है. दूसरा, बेयरिंग का सिलेक्शन करो फॉर गिवन एप्लीकेशन, कौन सी बेयरिंग हमें यूज करनी है कौन सी एप्लीकेशन के लिए. फिर फाइंड करो रेडियल एंड एक्सियल लोड फैक्टर्स, रेडियल एंड थ्रस्ट लोड फैक्टर फ्रॉम द कैटलॉग. ये जो वैल्यूज है एक्स और वाई की फॉर सिंगल लोड डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग आर गिवन इन टेबल, टेबल में गिवन है जहां पर हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट की थी डायनेमिक लोडेड बेयरिंग के लिए. अब जो वैल्यूज है डिपेंड अपॉन द टू रेशियोज, एक तो डब्ल्यू अपॉन आर एंड डब्ल्यू अपॉन सीओ, जहां पर सीओ जो है वो हमारी स्टैटिक लोड कैपेसिटी है, सीओ नॉट स्टैटिक लोड, ये डायनेमिक लोड कैपेसिटी है. द सिलेक्शन ऑफ द बेयरिंग is therefore done by trial and error. इसका जो बियरिंग का सिलेक्शन है वो ट्रायल एंड एरर मेथड है. द स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड कैपेसिटीज ऑफ सिंगल लोड डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग इज ऑफ डिफरेंट सीरीज आर गिवन इन टेबल, कुछ डिफरेंट सीरीज के लिए इस टेबल में दे रखी है. सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लाइट सीरीज से स्टार्ट करते हैं. सर 60 is selected for the given diameter of the shaft and value of C naught static load rating is found from the table A. Knowing the ratios axial load upon radial load or axial load upon static load, hum find out karenge radial load and axial load factors from the table.
स्टेबल फाइंड से फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक लोड की इक्वेशन में रखकर इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन है डायनेमिक की लोडिंग की, W इक्वल टू एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू आर रेडियल लोड प्लस वाई इंटू डब्ल्यू ए, जहां पर ये रोटेशन फैक्टर है, जहां पर वी एक रोटेशन फैक्टर है, वन लेते हैं वी की वैल्यू, जहां पर सभी तरह के बीरिंग है, जहां पर इनरेस रोटेट करता है, v इक्वल टू वन वन लेंगे जहां सेल्फ अलाइनिंग बीरिंग होती है, जहां पर इनरेस स्टेशनरी होगा, v इक्वल टू 1.2 लेंगे जहां पर इनरेस स्टेशनरी होगा और सेल्फ अलाइनिंग बीरिंग को छोड़कर। उसके बाद डिसीजन लेंगे एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बीरिंग के लिए, और बीरिंग की लाइफ एक्सपेक्ट करेंगे इन मिलियन रिवॉल्यूशन में। फिर करेंगे कैलकुलेट द डायनेमिक लोड कैपेसिटी, डायनेमिक लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे इस रिलेशन से, और फिर चेक करेंगे वेदर द सिलेक्टेड बीरिंग ऑफ सीरीज 60 हैज द रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी, है कि नहीं है, हैज द रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी, इफ नॉट, अगर नहीं हो, सेलेक्ट द बीरिंग ऑफ नेक्स्ट सीरीज, अगली सीरीज सेलेक्ट करेंगे एंड गो बैक टू स्टेप 3, वापस स्टेप 3 पर चले जाएंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। बॉल बीरिंग आर द सेलेक्टेड बाय द ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर, इस जो बॉल बीरिंग है इस तरह से वो ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से सेलेक्ट करते जाते हैं, और ये जो वो प्रोसीजर है ये सभी तरह की बीरिंग के लिए यूज होता है। अगेन थैंक यू, कह दी जो अगर